राज्यात 10वी व 12वीचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले असून यात मुलीने आपली मेहनत, जिद्द, चिकाटी यामुळे यश संपादन केले आहे। तसेच आपल्या कुटुंबियांनाही गौरव प्राप्त करून दिले आहे। या विद्यार्थ्यांना अभिनंदन करण्याकरिता व त्यांच्या पुढील जीवनातील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यासाठी घुग्गुस काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजू रेड्डी यांच्यातर्फे विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। गांधीनगर वसाहतीतील नारायणा विद्यालयातील 12वी वर्गाची सदफ मेराज अहमद अन्सारी हिने 94% गुण प्राप्त केले, तर नौशिंद फिरोज खान पठाण या बियाणी शाळेत 10व्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलीने 88% गुण मिळवले आहे। तसेच धानोरा येथील जनता महाविद्यालयात शिक्षण घेणारी शेतकरी कुटुंबातील मेघा विलास जुनघरे या मुलीने 83% गुण घेतले असून या सर्वांना पुष्पगुच्छ व मिठाई देऊन त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या। या प्रसंगी कामगार नेते सय्यद अनवर, विशाल मादर, सचिन कोंडावार, रोशन दंतलवार, नुरुल सिद्दीकी, आरिफ शेख, देवानंद ठाकरे उपस्थित होते। मेरा नाम सदफ मेराज अंसारी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती थी नारायणा विद्यालय चंद्रपुर स्कूल में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 12वीं CBSE का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, उसमें मुझे 94% प्राप्त हुए हैं और मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मेरी इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगी। मेरे पिताजी, उनका नाम मेराज अहमद अंसारी और मेरी माँ का नाम शबनम अंसारी, तथा इसके साथ साथ मैं इसका श्रेय अपने अध्यापक गण को भी देना चाहती हूँ तथा अपनी प्रधानाचार्य शबोनी बैनर्जी जी को भी देना चाहती हूँ, जिन्होंने हर मुश्किल में हर स्थिति में मेरा हौसला बढ़ाया है और हौसला अफजाई की है मेरी। इसके बाद मैं अपने मित्रों को भी इसका श्रेय दूंगी। मेरी सहेली सकीना मसाला वाला पूरे जिले में प्रथम आई है, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। और मैं द्वितीय स्थान पर आई हूँ साइंस स्ट्रीम से। इसके बाद मैं रुचि मेडिकल में रखती हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसका कारण सिर्फ यही है कि मैं समाज सेविका बनना चाहती हूँ और MBBS करने के बाद मैं रुचि रखूंगी न्यूरोलॉजिस्ट बनने में। राज्यातील 10वी तसेच 12वी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाले असून घुग्गुस तसेच परिसरातील विशेषतः मुलींनी गुणवत्ता यादी स्थान मिळण्याबद्दल घुग्गुस काँग्रेस कमिटीतर्फे गुणवंत विद्यार्थ्याला पुष्पगुच्छ व मिठाई देऊन अभिनंदन करण्यात आले।